दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार ये मैथ सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि ये इंटरेस्टिंग बन जाए, किस तरीके से पढ़ें कि ये समझ में भी आ जाए। तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं एंड आई एम श्योर कि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर ऑर्डर से बात करूं तो एक नोटबुक बनाइए जिसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली रख सकें। और ये बात सही है कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको लगता है यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने कोई प्रॉपर नोटबुक बनाई ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले एक नोटबुक बनाइए जिसमें अपने सारे क्वेश्चंस को करिए। और दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि एक फॉर्मूलाज की लिस्ट बनाइए, इसे अपने रूम के किसी भी गेट के पीछे चिपका दीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप फॉर्मूलाज को रटिए मत, इससे समझ नहीं आएगा, लेकिन उस लिस्ट को जहां आपकी सबसे ज्यादा नजर जाती है वहां पे चिपका दीजिए। तीसरे नंबर पर है कि जब भी आप अपने क्वेश्चंस को करते हैं और आंसर नहीं आता तो कहते हैं अबे यार मूड खराब हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं होगा। और अगर नहीं हो रहा तो यार उस टाइम टीचर बनिए और उस क्वेश्चन को दोबारा से रीचेक कीजिए। मैं सच कहता हूँ 99% कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा गलत दिखेगा कि आपको लगेगा कि इस पॉइंट पे मैं गलत हूँ। और दोस्तों नेक्स्ट जो मैं कहने वाला हूँ दोस्तों वो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। सिंपल सी सीधी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि उस क्वेश्चन को कम्प्लीट पूरी तरीके से अपने माइंड में कर ले, बट ऐसा नहीं हो पाता। 99% चांस होते हैं जब आप क्वेश्चन को प्रॉपर स्टार्ट कर देते हैं तो सारी बातें समझ आ जाती हैं। और दोस्तों लास्ट में सबसे मूल मंत्र जो बहुत ही फेमस है और हम इसे बिल्कुल ही इग्नोर करके रखते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस 30 मिनट ही दो, लेकिन दो तो सही। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम एक घंटा नहीं देंगे तब तक देंगे ही नहीं। अरे 30 मिनट ही सही, मैथ्स को दीजिए तो रेगुलर 30 मिनट या 40 मिनट अगर आप देंगे ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।